बॉयफ्रेंड लेकिन मुझे पसंद नहीं है। स्वीटहार्ट उसको तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। शादी मंदिर में करोगी या कोर्ट में? स्टॉप इट, क्यों तंग कर रही हो लोगों को? क्यों, वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? इससे भी कुछ कराते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे छोड़ो, अब तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा उसे आई लव यू कहना होगा। मैं? ये मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है तो मत बोल, हम समझ लेंगे कि तेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो फिर तू बोल देना। 1 2 3 गो। अंकल आई लव यू। फिर से आई लव यू कहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चुप कर पागल, सब तेरी वजह से हुआ। अरे मुझसे शादी बना ले मेरी जान है, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, लंदन पेरिस टोक्यो घुमाऊंगा। अरे एक बार बस से उतर कर मेरे दिल में आ जा। ड्राइवर थोड़ा तेज करो। चुम्मा के नाम में एक चुम्मा तो दे दीजिए। चलो बात अरे अब क्या हुआ? अभी बताती हूँ, तू मेरे साथ आ। सही वक्त पर अगर तुम्हारी शादी होती तो इतनी बड़ी बेटी होती। तो चुप कर, मैंने इसे दिल से पत्नी मान लिया है। अब ये सुहागरात भी करेगा? चुप कर स्टूपिड। सॉरी चाचा जी, ये सिर्फ एक मजाक था। अरे ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि यू हैव फॉलन लव विद मी, ऐसा उसने मुझे बताया था। उस पर यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। हाँ पूछो। हाय। क्या हाय, क्यों तमाशा कर रहे हो? ए, कौन तमाशा कर रहा है, तुम या फिर मैं? सड़क पर चलते हुए हर रात को आई लव यू कौन कह रहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। हाय फ्रेंड्स। ए, उड़ बे। ये सीट मेरी है। क्यों, घर से लेके आया था क्या? नहीं, टीसी को 200 रुपए देकर ली है। ओ हेलो, कंफर्म टिकट है मेरे पास, चल चल चल। टीसी ने तो बेवकूफ बना दिया। टिकेट। तुम्हारा नाम छोटे लाल? हाँ। और उम्र 50 साल है? क्यों, कोई डाउट है? तुम्हें क्या मैं लल्लू लाल लगता हूँ? अगर मैं 50 का नहीं तो आप भी लल्लू लाल नहीं। सर सच कह रहा हूँ सर, मेरी उम्र 50 है। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 50 में कम। झूठ मत बोलिए, लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं, आप तो 30-35 के गबरू जवान लगते हैं। लड़कियाँ आपको टुकुर टुकुर निहार रही हैं, और वो आखिरी वाली है ना, वो तो शायद आपको आई लव यू भी कह दे। अब क्यों, तुम्हें आदत नहीं है क्या? हम दोनों के बीच में इन बेचारियों को बीच में क्यों ला रहे हो? सर मेरी सीट कहाँ है? पीछे कोई भी खाली सीट, जाके कब्जा कर लो। बाय। पागल है ये, इसे यकीन नहीं है मेरा नाम छोटे लाल है। मुझे भी नहीं है। क्यों सर? छोटे लाल मेरा भाई है, लेकिन तो मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए बोला था लेकिन उसने तुम्हें बेच दी। कमीना कहीं का, पहले नहीं बता सकता था। क्या हुआ, क्या चाहिए? टॉयलेट में जा रहे क्या? आखिर बात क्या है? टिकट और पैसे वाला बैग चोरी हो गया। चलो छोटे लाल को बोलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। नहीं ए तू चुप कर, तू एक काम कर उसे बुला। हाँ बुला। अंदर आवो। इतनी फास्ट है। सर हम सबको कुछ करो ना जल्दी से। सर सर इसे हिंदी ठीक से नहीं आती। हमारी टिकट गुम गई है सर, प्लीज हमें टीसी से बचा लो सर, प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है, ए तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर मैं क्यों मदद करूं? अरे सर 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 रुको सर, बता देना। ठीक है, कांतम्मा। कांतम्मा, अगर तुम छोटे लाल हो सकते हो तो मैं कांतम्मा नहीं हो सकती? ओ तुम्हारा नाम क्या है? प्रियतम्मा। और तुम? तम्मा तम्मा। इसकी अम्मा। नेक्स्ट? उसकी अम्मा। सबकी अम्मा। आत्मा। क्या कहा, तुम बुरी आत्मा हो? नहीं अच्छा आत्मा हूँ। ओके, ऑल यू मॉम्स गो टू द बाथरूम। बाथरूम? लेकिन क्यों? जितना कहता हूँ करो। टिकट दिखाओ। ओ छोटे लाल अंदर तुम हो? यस सर। काम पूरा करके निकलना। बचा लिया, मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। बाहर जाने पर टीटी फिर से आ दो। टिकट्स दिखा देना। अरे टिकट कहाँ से दिखाएंगे, वो बैग तो घूम गया। वो बैग कहीं ये तो नहीं? ये बैग
पिज्जा स्पॉट। सर नमस्ते सर। सर गुड मॉर्निंग सर। लगता है दूर की नजर कमजोर है। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सर खुली आंखों से सो रहा था। हाँ बोलो। सर मेरा नाम बनी है सर और मैं वाइजाक से आया हूँ। तुम इतनी दूर सिर्फ अपना नाम बताने आए हो? सिफारिश जी। गौरव नायडू को मेरा प्रणाम। इज्जत हजम हो रही है तुम्हें? एक झापड़ मारूंगा तो बजे खुचे बाल भी उड़ जाएंगे। इतने मान नहीं हुए तुम? क्या देख रहा है? आंखें खोलकर सपने देखने की आदत नहीं गई इस उल्लू की। एक छोटा सा काम था इसलिए याद किया था। ये गाय जैसा लड़का मेरा रिश्तेदार है। अब आता हूँ सबसे खास बात पर। ये लड़का बचपन से अनाथ है। इसे MBA में एडमिशन मिला है। पढ़ाई के साथ काम करके अपना खर्चा भी निकालना चाहता है। अब तुम इसे एक नौकरी दे ही दो। ए, मैंने ऐसी हाई लेवल की सिफारिश किसी के लिए नहीं की। लेटर पढ़ते ही उसका बाप भी नौकरी देगा। बस तुम एक अच्छी सी स्माइल दे देना। उसके बाद वो उल्लू तुमसे एक सवाल पूछेगा। वो गधा अब तक मरा नहीं? जिंदा है। उस कमीने ने मेरी लाइफ नरक बना दी थी। स्कूल में लड़कियों के सामने एक बार मेरी पैंट उतार दी थी, मेरी पुंगी बजा दी थी। सर बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिना इस सिफारिश लेटर के आते तो शायद तरस खाकर नौकरी पर रख लेता। और अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। कोई जॉब वॉब नहीं है। गेट आउट। सर प्लीज सर। गेट आउट प्लीज। Hey, अगर लेट हुई पिज्जा डिलीवरी तो कट होगी तेरी सैलरी। और जैसे ही फाइट शुरू होगी हमारा हीरो बाइक के साथ एंट्री मारेगा। कमाल बंदा। कांतम्मा। अरे ये बाद में निकाल लेना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो प्लीज। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो मेरी सैलरी से कट जाएगा। प्लीज चलो ना प्लीज। सर ऑन टाइम डिलीवरी सर, यहाँ साइन कीजिए। ये कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इतनी खराब चॉइस नहीं है मेरी सर। क्यों कुछ गलत कहा? शट अप। अरे देखने में तो अच्छी है। इससे अच्छे तो हमारे पिज्जा हैं। खाइए और ऐश कीजिए। हेलो सर डिलीवरी ऑन टाइम हो गई है सर। ओके सर। हे ये क्या कांतम्मा का लगता है? ओ सो क्यूट। ये तुम्हारा ही है ना? किसी और की चीज रखना गलत होता है और औरतों की चीजें तो बिल्कुल नहीं रखते। क्या कर रही हो? मूर्ति खरीद रही हो? देखूं तो कैसी है ये? हाय गणेश। ओ कांतम्मा, ₹4,000 ओनली। कैसी चालू लड़की है, मूर्ति तोड़ कर खिसक गई। ए मिस्टर, इसे तुमने क्यों तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा सर, वो लड़की तोड़ के चली गई है। बेकार की बात मत करो, ₹4,000 निकालो। हेलो, इसे नुक्कड़ चलाया होगा, ₹40 की है ये। हमने इसे जहाँ मर्जी से लाए हो, आप ₹4,000 निकालो। अब जल्दी से निकालो। ₹40 चाहिए तो बोलो वरना नहीं दूंगा। पैसे देते हो या पुलिस को फोन करूं? पुलिस आके क्या आपको ₹4,000 देगी? सर पैसा नहीं है ना। हेलो, ये बिल मैं पे करूंगा। सर थैंक यू सर, आपने तो आज मुझे बचा लिया। लेकिन आप हैं कौन? मुझे नहीं जानते, फाइट मास्टर जीवी हूँ। उस दिन ट्रैफिक में तुमने बाइक को क्या जूम जूम निकाला। थैंक यू सर। फिल्मों में काम करोगे? क्या कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था फिल्मों में हीरो का काम करूंगा। हीरो के लिए नहीं, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट? बिल्कुल सही, मेरी फिल्म में बाइक स्टंट का एक सीन है। अगर तुम करोगे तो ₹1,00,000 दूंगा। 1,00,000? हाँ 1,00,000। तुम में टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करो। ये लो मेरा कार्ड रख लो, शूटिंग लोकेशन पर आ जाना। ओके एक्शन। ए कट 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 कट। ए क्या कर रहा है?
तू क्या काम के नीचे सीधी चलाने को था ना गधा नालायक कहीं का। अरे सर बाइक प्रॉब्लम दे रही है। बाइक प्रॉब्लम दे रही है मुझे, तू प्रॉब्लम दे रहा है। एक काम कर, चुपचाप पतली गली से घर निकल ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर साहब, यही है वो लड़का। ओके। हेलो सर। सुन बनी, हुनर दिखा जरा अपना। ओके। उस बिल्डिंग की टेरेस से उस बिल्डिंग की टेरेस पर बाइक कूदानी है बस। उसके बाद पैसा किसे मिलेगा? अरे तुझे ही मिलेगा और किसे। क्या बात कर रहे हैं सर, बाइक तो नीचे आ जाएगी, मैं पैसे लिए बिना ऊपर चला जाऊंगा। यू आर वेरी फनी। नो सर, आई एम बनी, वेरी सीरियस सर। आपके 1,00,000 के चक्कर में जिंदगी नहीं गंवानी। ए दीपा, 1 मिनट फोन देना। थैंक यू मालिक। बिटिया का फोन है। हेलो पापा जी, मैं हूँ। किसने फोन किया? आज कॉलेज में एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। इतनी सी बात के लिए क्यों फोन किया? पढ़ाई में ध्यान दो। थैंक यू पापा जी। ए, जी उसने कहा कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ। जरा पता लगाओ। अभी लगाता हूँ। तो तूने उसे जवाब नहीं दिया? थैंक्स। बहुत जल्दी बात हो गई। तो ये बता कैसा है तेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गुस्सा क्यों हो रही है? आजकल तो बॉयफ्रेंड बनाना फैशन है। अरे तू किसे समझा रही है? किताबों से नजरें उठाएगी तभी तो बॉयफ्रेंड बनाएगी। बिल्कुल सही, मेरा प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा सब कुछ मेरी पढ़ाई है। मजाक मत कर। ये मजाक नहीं, मेरे पापा जी एक पॉलिटिशियन है, अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरी पढ़ाई रुकवा कर मेरी शादी करवा देंगे। इसीलिए आईने इस टॉपिक पर बात मत करना, मुझे देर हो रही है। बाय। हाय, मैं हूँ शिल्पा भास्कर जिम टीवी से। आज के प्रोग्राम में हम युवाओं के विचारों को जानेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। हेलो सर। हाय, क्या बात? अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे हाँ। तो हम आपका फेवरेट गाना सबको सुनाएंगे। ये बात है तो पूछो। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी दीदी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ? जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है? मैं अकेला हूँ और खुश हूँ, दुनिया के सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वाओ। नेक्स्ट, प्यार के बारे में क्या राय है? तो फिर दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उसके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी हटके है, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं फिर प्यार की बातें करते हैं, ऐसी दोस्ती में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस शो के जरिए आप किसी खास दोस्त के लिए मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त एक दुश्मन के लिए है। हे कांतम्मा, कहाँ छुप के बैठी है? मेरे 4,000 का नुकसान करवा के पतली गली से भाग गई। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। जो पढ़ाई तू कर रही है उसमें तू फेल हो जाए, पास भी हो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से। जिस अजगर से तेरी शादी हो वो तुझे निगल कर खा जाए। तेरी सास 1 नंबर की डायन हो। तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाए। ये मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है, मेरी हार है। कांतम्मा जी, इसके पैसे वापस लौटा दो, शायद ये अपना श्राप वापस ले ले। अब ये बताओ कि यंगस्टर्स ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी तरह ही खुश रह सके? इसका जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं 3 दिन से डांस क्लास नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन क्यों? रोज दीदी जाती दीदी है। बहुत भूख लगी है, कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा खासा तो है, काम क्यों नहीं करता? अगर काम करूँगा तो चाइल्ड लेबर वाले पकड़ लेंगे। ये लो, इतने कम पैसों से इतना बड़ा पेट कैसे भरेगा? पूरी ट्रेनिंग लेके आया है बदमाश कहीं का, कुछ मत देना इसे। इसकी क्या गलती, भूख सब सिखा देती है। चलो मैं कुछ खिला देती हूँ। सही है, ऐसे ही लोग बिगड़ते हैं। बैठो। ए वेटर। इसे तो पहले चेक करना होगा ये जाग रहा है या सो रहा है। क्या करूं?
अबे गधे, ये बंदर सी शक्ल बनाकर कस्टमर को भगाएगा क्या? सॉरी सर। ऑर्डर ले। ए, क्या चाहिए? ए, इज्जत से बात कर कस्टमर से। योर ऑर्डर मैडम। नए हो क्या? मेन्यू कार्ड लाओ। इससे तुम कोई बात नहीं दीदी, मैं ऑर्डर करता हूँ ना। ठीक है। Bruschetta with extra mozzarella cheese and red chili flakes, jalapeno poppers with extra mayonnaise dip, nachos with Mexican beans, black olives, green olives, jalapenos with salsa sauce and sour cream, chocolate brownie with double scoop of vanilla ice cream. Hey waiter, sab fresh lekar aana. Hey, itna khana tune apni zindagi mein dekha bhi hai? Hey, shut up. Bhoolo mat, tum ek waiter ho. Saab ne jo order kiya hai lekar aao, jaldi. Ye saab hai? To main Amitabh Bachchan. बहुत भूख लगी थी, कुछ गलत किया क्या? गलत तो मैंने किया। तुम यहाँ आराम से खाओ, मैं अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? ए, कहाँ से आया तू? ये पूरी दुनिया मेरी है बेटा। चुप बे, तेरे दोस्त कहाँ है बे? सब काम धंधे में बिजी होंगे। तो वो बेचारे काम करेंगे और तू फोकट की रोटियाँ तोड़ेगा। ऐसा क्या? मेरी बात भेजे में घुसी ना। पचास हजार? इतना कैसे? ऐसे दिमाग खराब है क्या? इसने जो बोला सब ले आए? मैडम, आई एम ओनली अ वेटर। इसने जो ऑर्डर दे दिया मैंने ले लिया। थैंक्स दीदी। तेरी तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे चुकाओ फिर बाहर जाओ। ठीक है ठीक है, मैं जाकर अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ। मुझे बेवकूफ समझाए क्या? मैं भी साथ चलूंगा, रुको। ऐसे बेईमान बच्चे पर तो मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, कहाँ फंसा दिया। ए, मेरे पीछे क्यों बैठे हो? अपनी बाइक पर आओ। फिर से भागने का प्लान है? पहले ही 4000 का चूना लगा चुकी हूँ, तुम पर भरोसा कैसे करूँ? आगे देखो और तेज चलाओ, चलो टाइम नहीं है। रुको 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 रुको। ए, इस स्पीड से चलोगी तो पैसे मिलने में 10 दिन लगेंगे। नीचे उतरो।